ये है टोटो स्मार्ट टॉयलेट, आप देख सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के अनेकों जगह 7 कमरों में लगा था, ऐसा मीडिया में बताया गया है। एक टॉयलेट लगभग 10 से 12 लाख रुपए का है, तो करोड़ों में टॉयलेट के है। इसमें रिमोट कंट्रोल है, ये ऐसा नहीं चलता है, रिमोट कंट्रोल। अरे हंसिए मत, ये हंसने का विषय नहीं है, आप सोचिए, ये आम आदमी का विषय है। मतलब जो घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तो आम आदमी हूं, आप सोचिए। मतलब यहां पर रेनॉल्ड्स, यहां रेनॉल्ड और पीछे पकड़े हुए हैं रिमोट। ये अभी पूरे मीडिया में चला है, हम लोग तो देख के पूरा अध्ययन करके आए हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट के ऊपर। ये है टोटो स्मार्ट टॉयलेट, आप देख सकते हैं। इसमें क्या फीचर्स हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट में? ये अरविंद केजरीवाल जी के अनेकों जगह 7 कमरों में लगा था, ऐसा मीडिया में बताया गया है। एक टॉयलेट लगभग 10 से 12 लाख रुपए का है, तो करोड़ों में टॉयलेट के है। इसमें रिमोट कंट्रोल है, ये ऐसा नहीं चलता है, रिमोट कंट्रोल। ये टोटो टॉयलेट का रिमोट कंट्रोल है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि शौचालय भी महत्वपूर्ण है। और ऐसा है कि आम आदमी, जब आम आदमी के नाम पे आप जीत के आते हैं और इस प्रकार का टोटो यूज करते हैं, तो इसको पर्दाफाश करना जरूरी है, इसको कोई अन्यथा ना ले। क्या होगा, ये बटन दबाइएगा, एक बटन दबाने से ये जो कवर है ये अपने आप खुल जाएगा, मतलब आपको हाथ से नहीं उठाना है, वो अपने आप कवर खुलेगा। दूसरा बटन है, उस पर एक सीट है, वो सीट भी अपने आप खुलेगा, मतलब आपको नहीं करना है कुछ भी, वो सीट अपने आप खुलेगा, आपको गलत हाथ नहीं लगाना है, बटन दबाना है तो सीट उठ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तीसरा बटन है, आपको लगता है कि मतलब आप पानी बचाना है, दिवाली आ रहा है, होली के समय पानी बचाना होता है ना, दिवाली के समय पॉल्यूशन होता है, होली के समय पानी बचाना होता है, तो इको फ्लश करिएगा, कम पानी में फ्लश हो जाएगा, इको फ्लश। फिर आपको लगता है नहीं नहीं इको फ्लश से काम नहीं चला, ये इको फ्लश का है, इको फ्लश से नहीं होगा काम, तो फुल फ्लश, पूरा बहुत पानी जाएगा उसमें, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एनवायरमेंटलिस्ट लोग नाराज हो सकता है, इसलिए ये इको फ्लश का भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद है सीट टेम्परेचर, आप देख सकते हैं सीट का टेम्परेचर, मतलब कहीं ठंडे में बैठे तो उछलना पड़े, तो इसलिए अभी ठंडी की दिन आ रही है, इसलिए आपके हाथ में ये बटन रहेगा। अरे हंसिए मत, ये हंसने का विषय नहीं है, आप सोचिए, ये आम आदमी का विषय है। मतलब जो घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तो आम आदमी हूं, आप सोचिए। मतलब यहां पर रेनॉल्ड्स, यहाँ रेनॉल्ड और पीछे पकड़े हुए हैं रिमोट, आप सोचिए, ऊपर रेनॉल्ड नीचे रिमोट, ये तो हालत है। तो इसमें यहाँ पर है क्या है, ये सीट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी वो कंट्रोल करेंगे, मतलब रिमोट के माध्यम से। फिर है स्टॉप, पता नहीं क्या स्टॉप हो जाएगा, चलिए जो भी है वो, मतलब सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। उसके बाद है फ्रंट रियर और ड्रायर, ड्रायर भी है। फिर यूवी क्लीनर, मुझे नहीं पता यूवी क्लीनर क्या, अल्ट्रावायलेट रेज वेज निकलेगी शायद। फिर यूवी क्लीनर है, फिर वाटर टेम्परेचर, वो तो सीट का टेम्परेचर जो है सो है, फिर वाटर टेम्परेचर भी उचित होना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, तो वाटर टेम्परेचर भी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाज करने की सुविधा भी है, मतलब जो पानी जाएगा वो किस प्रकार का मसाज करेगा, तो वो स्पाइरल मसाज बाय द वाटर, एक स्पाइरल मसाज है। और उसके बाद एक पता नहीं क्या है, वो कैसा मसाज है पता नहीं, और प्रेशर, प्रेशर भी है, मतलब हर चीज का ख्याल रखा गया, हर चीज का ख्याल। मतलब मुझे तो लगता है कि जहां पनाह लोगों के पास भी इस प्रकार का किसी फैसिलिटी नहीं होगी, जो फैसिलिटी हमारे केजरीवाल जी के पास इस रिमोट में थी, आप बताइए, रेनॉल्ड पेन लगा करके, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके, हवाई चप्पल पहन के, एक बार राष्ट्रपति भवन में भी हवाई चप्पल पहन के गए थे, हमको याद है, वहाँ पर भी हवाई चप्पल पहन करके ऐसे बने हुए थे जैसे बाप रे बाप, ये पूरा वो जो हम छोटे में बचपन में आर के लक्ष्मण जी का कार्टून नहीं देखते थे, कॉमन मैन, मतलब वो कॉमन मैन बने हुए थे। अब ये रिमोट देख के तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल, अरविंद केजरीवाल जी आप बुरा मत मानिएगा, ये विषय थोड़ा ऐसे हास्यास्पद बन जा रहा है, मगर ये हास्यास्पद विषय नहीं है, ये शोचनीय विषय है। अभी तो रिमोट कंट्रोल, आप राजा महाराजा हैं, तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का आपके सीट का आपके हाथ में,
मगर जब जनता वोट डालेगी तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का उसके हाथ में रहेगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं तवे पे बैठाएगी, तवे पे। टेम्परेचर इतना गर्म होगा बैठ नहीं पाइएगा, तवे पे बैठाएगी।